Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Mom and Mumina. I hope aap sab theek thaak honge aur meri videos ko enjoy kar rahe honge. So aaj main aap log ke liye lekar aayi hu April ka introduction. Maine socha ki April ka month start ho chuka hai, so April ki memories likhi jaye apni diary mein. So let's see ki hum is April ke introduction ko kis tarah se banate hain. Aur ek baat, hamara Mahe Ramzan jaane wala hai. Is baat ka to sab logo ko bahut hi afsos hai. और इसी तरीके से मैंने सोचा कि अलविदा है आज, तो मैंने सोचा कि आज अलविदा जुम्मा की नात लिखी जाए. सो लेट्स सी, मैं आप लोगों को वो पढ़ के भी सुनाने वाली हूँ. अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मैंने अपनी डायरी को ओपन किया और मैं ले ली है कंप्यूटर शीट और मैंने अपने पेज के हिसाब से इसको कट कर लिया है. आप मैंने आप लोगों को सेंटीमीटर नहीं बताए हैं क्योंकि हम इसको अपने पेज के हिसाब से लेंगे. देन पे हम लोगों ने ले लिया एक और कंप्यूटर पेपर और जिस तरह से अपने पेपर को हम अपने फिंगर्स से फाड़ते हैं, जिस तरह से जैसे साइड्स में डिजाइन बन जाता है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे. देन इसके ऊपर मैंने अप्रैल की हेडिंग डाली है कुछ बबली वाले लेटर्स में. जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं या आप अपनी किसी और राइटिंग में लिख सकते हैं. फिर मैंने इसको परमानेंट करने के लिए इसके ऊपर ब्लैक मार्कर से शेडिंग करी. देन फिर मैंने कलर्स से इसके अंदर फुल रंगीन इनकी हेडिंग्स को बनाया. देन मैंने तीन पेपर्स और ले लिए हैं. फिर इन सब को भी मैंने अपनी फिंगर्स के हेल्प से कुछ इस तरीके से कट किया है. देन इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे और कुछ और पेपर्स भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी. देन इसके ऊपर मैं अपने अप्रैल की मेमोरीज लिखूँगी. मैंने इस पर मून बनाया है क्योंकि मुझे लास्ट अशराफ रमज़ान की हेडिंग डालनी थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का आखिरी अशरा है. फिर मैंने इसी तरीके से कुछ और हेडिंग्स भी डाली हैं जो मैं आपको अभी पढ़ के सुना दूँगी. जैसे कि है मेरे पास ईद उल फितर और मैंने इन सब को पेस्ट भी करा. सेवन क्लास, न्यू सेक्शन, माय फ्रेंड बर्थडे, शब कदर है, ईद उल फितर है. सो इस तरह से मैंने कुछ पेपर्स पे लिख कर इसको पेस्ट कर दिया है और ये तो मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है. फिर मैंने इसको कुछ एडिशन और करने के लिए मैंने डेकोरेशन टेप लिया है. देन इसको जिस तरह से हम अपने नोट्स को टैकिंग करते हैं उस तरह से मैंने कुछ शेप करके इसके ऊपर अपने टेप्स को पेस्ट कर दिया है. अब हम नेक्स्ट पेज ले लेंगे जिसमें मैंने अपने बॉर्डर्स को मेक करने के लिए कुछ इस तरीके से कॉर्नर्स पे लाइंस ड्रॉ करी हैं. देन इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैंने इसके ऊपर रफ में अलविदा अलविदा वाली नात की हेडिंग डाली है, अलविदा माहे रमज़ान. फिर मैंने इसको परमानेंट किया है. देन ये तो मैंने बॉर्डर्स और हेडिंग तो रेडी हो गई है और फिर मैंने अपनी खूबसूरत सी नात भी इसके ऊपर लिख दी है. देन मुझे नात शरीफ की हेडिंग डालनी थी, सो मैंने नेक्स्ट पेज पर इसकी कुछ हेडिंग डाली और फिर मैंने बॉर्डर्स बनाने के लिए कुछ जैसे हम बल्ब्स होते हैं ना, उस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाया है. देन मेरे दोनों पेजेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं. चले अब मैंने नात लिखी है तो मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ. कल्बे आशिक है अब पारा पारा, कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान, उल्फते हिजरो फुरकत ने मारा, उल्फते हिजरो फुरकत ने मारा, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान. तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था. आह अब दिल पे है गम का गलबा, आह अब दिल पे है गम का गलबा,
Alwida, Alwida, Mahiramda. Masjidon mein bahar aa gayi thi, masjidon mein bahar aa gayi thi, jo qadar jo aate namazi, jok dar jok aate namazi, ho gaya kam namazon ka jazba, ho gaya kam namazon ka jazba, alwida alwida maahe ramzan, bazm iftar sajti thi kaisi, khub sehri ki ronak bhi hoti, ho gaya ab sama suna suna, ho gaya ab sama suna suna, alwida alwida maahe ramzan, alwida alwida maahe ramzan, tere deewane ab ro rahe hain, tere deewane ab ro rahe hain, mustarib sab ke sab ho rahe hain, mustarib sab ke sab ho rahe hain, aah ab waqt rukhsat hai aaya, ab waqt rukhsat hai aaya, alwida alwida maahe ramzan, alwida 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 maahe ramzan. سبحان اللہ. اگر آپ کو میری نعت پسند آئی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر بھیجئے گا. الحمدللہ ہمارا رمضان کا الوداع جمعہ یعنی آخری جمعہ بھی ختم ہو چکا ہے ساتھ خیریت کے ساتھ. اللہ تعالی ہم نے جو جو پڑھا ہے ان سب کو قبول عطا فرما. میں نے یہ نعت آپ لوگوں کے لیے لکھی. اگر آپ کو میرا لکھنا اور پڑھنا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں خاص کر کے یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.